की किल्लत के आरोपों के बीच केंद्र सरकार इसी महीने अलग अलग राज्यों को करीब 2 करोड़ डोज देने जा रही। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की रिपोर्ट है कि राज्यों को 16 से 31 मई के बीच इतनी डोज भेज दी जाएगी जो मुफ्त होगी। इनमें कोवैक्सीन की करीब 30 लाख जबकि कोविशील्ड की 1.5 करोड़ से ज्यादा खुराक हो। ये फैसला दूसरी डोज लगवाने वालों और राज्यों के इस्तेमाल को ध्यान में रखते हुए किया गया। साथ ही राज्यों को टीके की खेप भेजने से पहले ही ये बता दिया जाएगा उनको ये कब मिलने वाली है ताकि बर्बादी से बचा जा सके। केंद्र के मुताबिक मई महीने में अब तक राज्यों और निजी अस्पतालों को 4 करोड़ से ज्यादा डोज दी जा चुकी। जीतन राम मांझी ने बिहार सरकार